नमस्कार डॉक्टर टॉक को स्वागत करुच्ची मुँ मलय रंजन महांती। आपण जे देखिबे वर्तमान सबुठ लोक मानकर पसंद योग्य लोक माने अपेक्षा करुचंती डॉक्टर टॉक को कहीं बर्तमान कोरोनार समय अच्छी विभिन्न रोगर जो तांडव थिला सब तांडव टू बळी जाइछ आपणकर कोरोना से लोक अपेक्षा रखुचंती प्रकृत डाक्तर माने कौन कहउचंती आमर किसी समस्या हेले गोटे बर्तमान बाट से डाक्टर कनसल्टेसन कनसल्टेसन अधिक लोक बहुत अधिक लोक दबार बाट बहुत कम दबार माध्यम बहुत कम से समस्त अपेक्षा रखुचंती डॉक्टर टॉक को आम टे सुजोग पाइबू कौन कहउचन डाक्टर माने कौन तर परामर्श रोचे कारण जीवन समस्त बंचेवा गोटे लोभ थाए जीवन प्रति से बर्तमान जो करोना गोटे माड़ दौर प्रहार दौर जीवन नौचे से समस्ते चाहूँगी तार बाट कौन परामर्श कौन आम कमी सुरक्षित रहू आम कमी सुस्थ रही से जी ओडार अभियान सब रही डॉक्टर टॉक को गुरुत्व रही आधार आम आज डॉक्टर टॉक रखीचु और चर्चा करूँ एन ओवरव्यू ऑफ हेड एंड नेक कैंसर तेणु से आम सागर जो मैंने अच्छा आम सागर परिचय कराइने आम सांगे अच्छा एचसीजी पंडा कैंसर हस्पिटाल विशेषज्ञ माने प्रथम परिचय कराइक चाहिए डॉक्टर रंजित कर वरिष्ठ विशेषज्ञ आम सागर अच्छा डॉक्टर प्रशांत चंद्र दास आम सागर अच्छा सर आप स्वागत करी और डॉक्टर प्रशांत कुमार परिडा पीके परिडा आम सागर अच्छा आप समस्त स्वागत करी आरंभ करी डॉक्टर रंजित कर रंजित बाबू केमती देखुं आप जो प्रकार स्थिति अच्छी आपणकर कैंसर गोटे सबुठ अधिक जीवन नौ गोटे रोग किंतु वर्तमान कोकुआ भय सृष्टि करिछि कोरोना जे जेते कहू आपण नाही भयभीत होंतु नाही आपण डरंतु नाही किंतु डर समस्त मन रहछि काळे कोरोना हेइ जीवो कि काळे फुसफुस को आक्रमण करिकि जीवनटा को नै जीवो कि सेही आधार रे आपण केमती कोन देखुछन वर्तमान स्थिति गोटी पटरे कैंसर रो सेवा आपण केमती जोगौछन्ती आ गोटा पटरे कोरोना को नैकि आपण केमती ताको मैनेज करछन सिस्टमटा रंजित एक्चुअली आपण बहुत बढ़िया क्वेश्चन पचारे वर्तमान कोरोनार जमीका प्रकोप बढ़ला प्रत्येक दिन जमी कोरोना आम जमी देखु मैंने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सब डाटा आम देखु जे भारत बर्षे होड़शार हो कि कटक भुवनेश्वर होमती कोरोनार प्रकोप बढ़ला सो कोरोनार जमीका मानने आम प्रपर सानिटाइजेसन जमीका सोशियाल डिस्टासींग मस्क जमी आम व्यवहार करवा कथा सेमती आम तार नर्म्स अनुसार जीवार अच्छी एंड कैंसर चिकित्सा सेमती आमको करेबार अच्छी कैंसर चिकित्सा कोरोना पाई बंद करिवार नाही सो कैंसर जमी प्रॉपर सर्जरी केमोथेरापी रेडिएशन थेरापी फुल बॉडी पेट स्कैन पेशेंट जमी चेकअप फॉलोअप आसीबार अच्छी तो कैंसर चिकित्सा रास्त अच्छी तार मानने कोरोनार नर्म्स मानिकी आमको कैंसर चिकित्सा करे नबार अच्छी एंड कोरोना आम जमी भावुँ एवं वैक्सीन जो आसला जो आम वैक्सीन नौ दुईटा डोज वैक्सीन आम नौ वन मंथ गैप आमको समस्त वैक्सीन नबार अच्छी एंड प्रॉपर सानिटाइजेशन करार अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करार अच्छी एंड मास्क पिंधार अच्छी ठीक अच्छे मासी डॉक्टर पीके दास आप सॉरी प्रशांत चंद्र दास पीसी दास आप सर कौन आपत देखुन दुईटा कथ गोटे कथा आम जो चर्चा करूचे आप मुंड आउ गार जो कैंसर अच्छी यहाँ आप कैंसर व्यापक हो सब जगार गोटे चिंतार कारण साजिश कि अधिक चिंता जमी कौन बढ़ई कोरोना ता सत्वे जो मर मुंड कि गला कैंसर अच्छी से समय कौन कौन करवा दरकार जदि डरिक बाहर को आसू ना कौन कौन केयार नवा दरकार कि कौन कौन लक्षण प्रकाश पाइले जब आप कनसल्ट करा चाहते आसी पार ना से कौन बाट बर्तमान बाहर करवा दरकार देखु कैंसर ट्रीटमेंट तो कंटिन्यू रखा पड़ो मुंड गला कैंसर मानकर आउ गोटे जिनसा था जोटा कि नर्माल ही काशटा बेस हुए तेणु सीटा टी कन्फ्यूजिंग थाए कि कोरोना संक्रमित होवार चान्स सिम्टम आसिले भी से अवहेला करदेवार संभावनाटा बढ़ी जाए कि कैंसर पर ट्रीटमेंट नौ जोटा धरनी रेडिएशन नौ केमोथेरापी नौ कि रिसेंटली सर्जरी होटा से कंडीशन में कोरोना जेहतु इम्यून कंप्रोमाइज स्टेट टी थे तेणु संक्रमित होवार संभावनाटा बेस रही कौन प्रिकॉशन पड़ो प्रथम कथा जहाँ समस्त जानते मास्क पिंधा पड़ो सोशल डिस्टेंसिंग भले कि मेंटेन करा पड़ो ता बाद आपन को सानिटाइजेशन करा पड़ो निज परिसर को सफा रखा पड़ो ए भाया सब प्रिकॉशन नवाक पड़ो किंतु कैंसर ट्रीटमेंटा से कंटिन्यू रुहे जो मैंने आप हॉस्पिटल वर्तमान आसुँच कि जो रोगी आसुले से आसवा फ्लोटा कमी ना से सामान रही कि आसला आप ट्रीटमेंट स्टाइलटा जो थी ता बर्तमान बदली ना सामान रही जो मैंने आसुले सेवा जहाँ पूर्व पाते से ही सेवा पाँच ना हैरान हो देखु कोरोना बहुत जिनस शिखेदेला समस्त को प्रथम कथा है आम को मानने आडाप्ट करदेला टोटाल ह्यूमानिटी को कि आम डॉक्टर डाक्टर मान को पेसेंट मान को भी समस्त को आडाप्ट कला कि हाँ ये जिन ये रोगटा रही है ता सहित कैंसर रोग ट्रीटमेंटा भी जमी चलो तापी सब प्रिकॉशन नहीं कि आम से हिसाब से एचसीजी पंडा कैंसर हॉस्पिटल तार ट्रीटमेंटा कंटिन्यू चली ट्रीटमेंट रही ना
आउ बाकी रहला कि फ्लोटा कमी छै कि नै जेहेतु कटकणा हे जाय छी सैटरडे संडे बंद हे जाउ छी किछटा पेशेंट रोगी हे जाउ छथि जो मन कि इमीडिएटली धन्यवाद जने कोरोना कैंसर पीड़ित हे गला कोरोना पीड़ित को कैंसर हला ताहाले से कंडीशन ने कोन हुए कि ट्रीटमेंटा तारो किछ दिन पई स्थगित करा जाय बंद करावे नै स्थगित कराय गला 14 दिन पई 17 दिन पई जति पंत से इंसल्ट रु बाहरि असेनी तापर से तार कैंसर ट्रीटमेंट नै कि तापर से भलो होनती अच्छा मोले बाबू मो अपन को कहि रखी जे जो क्वेश्चन आप पचारे सो कैंसर चिकित्सा किसी बाधा ही मानने कोरोनार प्रभाव मानने जो कैंसर चिकित्सा जमी कैंसर चिकित्सार सर्जरी कैंसर चिकित्सार केमोथेरापी रेडिएशन थेरापी पेसेंट मान इन्वेस्टिगेशन बायोप्सी होल बॉडी पेट स्कैन आम सब जमी एस सी पंडा कैंसर हॉस्पिटल अंडर वन रूप जमी पूर्व होता सब जिन मानने कोरोनार एडिशन थी भी जिन करूँ बट आमे इनिशियली पेशेंट को गोटे आरटीपीसीआर टेस्ट करुच्छू आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव बाहला पेशेंट सर्जरी हो पार्टी रेडिएशन हो पार्टी एंड केमोथेरेपी इंडोर एडमिशन हो पार्टी एंड मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर पार्टी ठीक अच्छे आसो आप सर बर्तमान प्रशांत कुमार परिडा डॉक्टर प्रशांत कुमार परिडा सर मो पाखे बस सर गोटे कथा बर्तमान आप देखिए दुई भाग होती चिकित्सा गोटे कोविड आउ गोटे नॉन कोविड से हिसाब से मैं अवस्था परिस्थिति बाध्य कर तेणु ये जो दुई भाग हो दुई भाग को न्याय केमती दवा कोविड को भी न्याय दवा फोपाड़ी पारे नन कोविड को भी फोपाड़ी पारे किंतु आप देखिए नन कोविड सिस्टम जो आप कैंसर आसू कि अगर रोग अवहेलित होती कि ना मन में भावुँ कि आम भाई आज कौन जी जाऊ पाँच दिन दस दिन जाऊँ जो विलंब भी होता है आप क्या मानवे कि ना तेणु केमी दुईटा सिस्टम टाक न्याय दवा निश्चित भाव देखो आम जो कोविड पेसेंट आम जो हेल्थ रिसोर्स अच्छी जेहेतु कोविड महामारी पैंडेमिक आमर रिसोर्स आम मैक्सिमम यूटिलाइज करछु कोविड रोगी मैनेजमेंट निश्चिंत भाव नॉन कोविड मैनेजमेंट रे टिके अवहेला हम किंतु तथापि आमर चेष्टा करा जाउछि जो गुडे देखंथु आम तो कर्कट रोगी को बेसी चिकित्सा करछु कर्कट रोगी देखंथु अन्य रोगी अपेक्षा अन्य साधारण लोक अपेक्षा जो इम्यूनिटी बा रोग प्रतिरोधक शक्ति साधारण कम होता है तेणु आम सब अवॉइड करू जमी कर्कट रोगी बेसी हॉस्पिटल आमर हॉस्पिटल बा चिकित्सा परिसर को बेसी न आसत कहीं आपड़ जिते एक्सपोजर हे जिते क्राउडेड प्लेस को जी से कोरोना बा कोविड इन्फेक्शन बा संक्रमण आशंका बेसी बढ़ी जाता है तेणु एवं आम चिकित्सार जो परिवर्तन होती आम से जोटा विकली प्रति सप्ताह डाकुलु तीन सप्ताह कि टेलीफोन कंसल्टेशन हो वीडियो कंसल्टेशन हो टेलीप्रेसक्रिप्शन हो ताद्वारा आम कंसल्टेशन ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रदान करा जो कि ओराल टैबलेट खाऊँ जो मैंने चेकअप अच्छा फॉलोअप अच्छा आम से हॉस्पिटल परिसर को आसाक मना करतीत जो केमोथेरापी आम जो मान इमरजेन्सी सिचुएसन ना देखो गोटे आडजुभांट थेरापी केमोथेरापी दे जमा एक परसेंट कि पांच परसेंट आडभांटेज अच्छे आम से क्षेत्र में आवोड करवाइड करो क्षेत्र निहाती सर्जरी हूँ केमोथेरापी हूँ रेडियोथेरापी हूँ दरकार निहाती आम सांगे सांगे करा जाउछ तेणु ये सब करने द्वारा आम जमी कोविड संक्रमण रु कर्कट रोगी को आम मुक्त रखिपर आ द्वितीय कथा है जो सतर्क कौन कर्कट रोगी सतर्कता अवलम्बन करेंगे आम साधारण जनता जमीक सामाजिक दूरता मास्क बारंबार हाथ धोवा एतद व्यतीत जो क्राउडेड प्लेस अच्छी बेसी मार्केटिंग हो मल्स हो पार्टी हो फंक्शन हो बाहर बारात हो भोजी हो से जगह को अवॉइड करा जाओ से हाथ बारंबार धोया दरकार साबुन पानी कि सानिटाइजेशन जितेबाला विशेषकर खावा पूर्व बाथरूम आसापर हाथ संपूर्ण रूप भल रखे से खाद्य पत्र हौ आसबावपत्र हौ साधारण ड्रेस हौ ये सब कौन रोगी जदि कौन लोक थंडा काश ज्वर हो दूरता अवलम्बन करने दरकार बाहर बिना मास्क जीवा कथा दरकार ना कि क्राउडेड प्लेस को जीवे ये सब सतर्कता अवलम्बन करेंगे आ सब लास्ट है वैक्सीन कर्कट रोगी मैंने वैक्सीन मत सब अधिका टेलीफोन कॉल आजिकल आसूच सार जड़े कर्कट रोगी हिसाब से केमोथेरापी रेडियोथेरापी नौ कि हार्मोनल थेरापी नौ कौन वैक्सीन नहीं पारि कि तेणु ये जो क्वेश्चन प्रश्नर उत्तर मुझे सब लोग ये कह चाहे जड़े कर्कट रोगी जमी अलग कोमोर्बिडिटी डायबिटीज हार्ट रोगी कि ब्लड प्रेशर रोगी मानकर
କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟାବହତା ବା ସିଭିଅରିଟି ଅଧିକା ହେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଚାନ୍ସ ଥାଏ ମର୍ବିଡିଟି ବା ମୋର୍ଟାଲିଟିର। ତେଣୁ କର୍କଟ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ, ସେମାନଙ୍କର ଟୀକା ନିହାତି ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଟୀକା ନେବା ଦରକାର ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଜଣେ କେମୋଥେରାପି ନେଉଛି ଏବଂ ତାର କେମୋଥେରାପି ପରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ତାର WBC ବା ବ୍ଲଡ୍ କାଉଣ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଥେରାପି ବା ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଅସ୍ଥିମଜା ରୋପଣ ବା ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାହଉଛି, ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ 3 ମାସ ପରେ ଅସ୍ଥିମଜା ରୋପଣର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେମିତି ରେଡିଓଥେରାପି ସମୟରେ ଯଦି WBC କାଉଣ୍ଟସ୍ ବା CBC ୟୁରିଆକ୍ରିଏଟିନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଅଛି ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିହାତି ନେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା ଟୀକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବି କର୍କଟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ତାହାର ଭୟାବହତା ହେଇନଥାଏ ବା ସିଭିରିଟି ଅଧିକା ହେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସିଭିରିଟି କମ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରଶଂସା। ସାର୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ କହିଲେ କୋଉ ମାନେ ନେଇପାରିବେ, ତା ମାନେ କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସିରିୟସ୍ ଥିବେ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ନା ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ? ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଭେରାଇଟି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି, ସେ କଥାଟା କିଏ ବୁଝେଇବ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କଣ ପ୍ରଶଂସାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କି? ତେଣୁ ସେଠି ସିଷ୍ଟମ କିଛି ଅଛି କି କିମ୍ବା ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଉଚିତ କି ଯୋଉମାନେ ପଚାରି ବୁଝିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରାହବ ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କର୍କଟ ରୋଗୀ ଉପରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କୌଣସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀର WBC ଥର ନ୍ୟୁଟ୍ରୋପିନିଆ ହେଇଛି କେମୋଥେରାପି ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ରେଡିଓଥେରାପି ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କୌଣସି ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର WBC କମ୍ ଅଛି, ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ସ କମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମ୍ ଅଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଭଏଡ୍ କରିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଏଇ କାଉଣ୍ଟ ସବୁ ରିକଭରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି କାଉଣ୍ଟ ରିକଭରି ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଇମ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେମିତି ଆମେ ଇମ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ଆମ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସେଲ୍ ଯେମିତି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ସ ହେଲା, ବି ସେଲ୍, ଟି ସେଲ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ସେଲ୍ ବା ମାକ୍ରୋଫେଜେସ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କେମୋଥେରାପି ଦ୍ୱାରା କମିଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଣ୍ଟିବଡି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟସ୍ ରିକଭରି ହୁଏ ଆମେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ କର୍କଟ ରୋଗୀମାନେ ଟୀକା ନେବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ରୋଗର ଭୟାବହତାରୁ କମେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାରାଂଶ କରିକି ଏଥିରେ କହିଲେ ଯେ ସଲିଡ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ର, ସଲିଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ର ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ନେଇପାରିବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେ। କେମୋଥେରାପି ପେସେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେ, ରେଡିଏସନ୍ ଥେରାପି ପେସେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ଅନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଲିମ୍ଫୋମା, ଲିକେମିଆ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ମାଇଲୋମା ଏଇ 3 କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେନି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ନେଇପାରିବେ। ଯାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ, ଯଦି WBC କାଉଣ୍ଟ କମ୍ ରୁହେ, ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ରୁହେ କିମ୍ବା ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ କମ୍ ରୁହେ କିମ୍ବା ପେସେଣ୍ଟ ଅତ୍ୟଧିକ ସିରିୟସ୍ ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ କୋମୋର୍ବିଡିଟିସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କୋମୋର୍ବିଡିଟିସ୍ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କରୁ। ରଞ୍ଜିତ ସାର୍, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ? ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଫୋନ୍ ମୁଁ ଏବେ ପାଉଛି, ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ରେଡିଏସନ୍ ନେଉଛି, କେମୋଥେରାପି ନେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବି କି ନାହିଁ। ସୋ ବହୁତ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ତେଣୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସାର୍ ଏଇ ରୋଗୀ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରୋଗୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ଟୀକା ଦେଇପାରିବୁ ନା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ରୋଗୀମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋଅପ୍ ଚେକ୍ଅପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଏଇଠି ରହିବ ଆମ ଜି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାର୍, ଗୋଟେ ମେଜର କଥା, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି କମନ୍ କଥା, ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣ କହନ୍ତି ଡିଟେକ୍ଟ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆପଣ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବିଳମ୍ବ କରାଇ ଦେଇପାରିବେ, କାହାକୁ ପଛ କରିପାରିବେ। କରୋନା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କରୋନା ଆଜି, କାଲି, ପରଦିନ, ମାସେ ପରେ, 2 ମାସ ପରେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ବି ନୁହନ୍ତି, 2021, 2022, 2023 କନଫର୍ମ ବି ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କେତେ ଦିନ ଡରି ଡରି ଘରେ ରହିବ ନା କ'ଣ କରିବ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସର ବିଶେଷ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ଆପଣ କହିପାରିବେନି 10 ଜଣଙ୍କ ରହୁଛି, 1000 ଜଣଙ୍କର ବି ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ, ସେ ପଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେବେ ଆସିବ?
नहीं प्रथम कथा हला जहार भी लक्षण आसुची कि संदेह अछि लक्षण कहा को आसो धन्यंतु से आगुरु से तंबाकू सेवन कॉमन कॉज हमर इंडिया रे जोटा रहला हला टोबैको से कंजम्पशन जोटा राइट तंबाकू सेवन करछि कि आगु छि रिस्क फैक्टर अछि से कंडीशन ताको धन लक्षण किछ आसेला से कंडीशन रे कोन अछि से आसे कि हॉस्पिटल देखै परिबे हॉस्पिटल आमे देखु सब पेशेंट को देखु ता पई किछ स्पेसिफिक टेस्ट करिया दरकार नै कि कोरोना टेस्ट करिया दरकार नै किंतु धरि नियंतु से आसी पारु नाहंती किछि धन किछि बाधा अछि कि बिन ता कोरोना भी हे जाय धन्यंतु ताहार भी बाटो अछि कि टेलीफोनिक कंसल्टेशन दिया होची जहां मध्यम की वीडियो काउंसलिंग द्वारा टेलीफोनिक कंसल्टेशन द्वारा आमे डॉक्टर हिसाब रे तांकर कंप्लेंट्स वाला सुनुचू गोटे हॉटलाइन मेंटेन करूचू ता हिसाब तांको एडवाइस दोचू अच्छा जे कंप्लेंट्स द्वारा बहुत गेस करी हे जाय न हेले अति बेसरे कोन तांको डका है कि तापर नेक्स्ट टेस्ट करा है कि कैंसर अछि कि नै कंफर्म करा जाय केमिति करा हबो अदर बायोप्सी गोटे नै कि एफएनएसी नै कि आमे पाटी रे हाथ लगे कि बेकर हाथ लगे टेस्ट करी कि देखु तेनु जो जहां को भी सिम्पटम्स किछ आसीला तेनु डरिवार नै कि ताको पोस्टपोन करिवार नै कोरोना तो केबे जीव जणा नै एक्जेक्टली हां कोरोना केबे जीव जणा नै किंतु कैंसर उठे रोग जोटा कि तार समय पाइले से तार बडी चालियो जति अछि एक्जेक्टली से कथा कहू छी आमे एई पार्ट रे विलंब करि परिबे करि तो परिबानी करि परिबानी तेनु आमे मना भी करिवान ना भाई जहार लक्षण प्रकाश बजे आसन छी आसंतु सिम्पटम्स से आइन अछि जदि आसु पारु ना हंती वीडियो कंसल्टेशन कि ऑनलाइन कंसल्टेशन किंबा टेलीफोनिक कंसल्टेशन द्वारा कंसल्टेशन नियंतु डॉक्टर को कंप्लेन कहले से बहुत जिन जानी पारे हिसाब से 80% कंप्लेन गेस कर कैंसर अच्छी किंबा नहीं हिसाब से एडवाइस दिखाई पार्टी देखा कि दिन वेट कर परामर्श देवे कि मन में जब किसी लक्षण प्रकाश पाऊँगी और चाहूँ आप देखा कोरोना भाविक घरे प्रेसर ना बाबा रही जा दी मस पर करूँ अवश्य देखी चु कारण प्रथम जो वेव आसाला से जो लॉकडाउन है परे जो पेशेंट जो माने आसीले से देखा पाइले कि बहुत जन रोगटा दाबी के रही जाते हैं स्टेज वन कि दुई रोगटा तीन कि माइंडसेट प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घरे पैसा ना कि आसवाक लॉकडाउन हो गाड़ी सुविधा ना डॉक्टर का देखुं कि ना से जानी ना से कम्युनिकेशन है तेणु से ही अवस्था कौन है कि जन करोना पीड़ित हो गला तार ट्रीटमेंट आउट स्थगित हो गला से कंडीशन माने पेशेंट मान रोग जो बढ़ी जाइए तेणु से कंडीशन को नजर कथा रोग आज जमा पड़ा कि सस्पेसन आसतु ट्रीटमेंट जदि डाउट लगुच कि ना ट्रीटमेंट एवपरिनी हेल्ले कंटाक्ट कर डॉक्टर को कनफर्म करूँ आरटीपीसीआर नेगेटिव हेल्ले ट्रीटमेंट हो सब इमरजेन्सी ट्रीटमेंट चली सब हस्पिटाल इमरजेन्सी कैंसर ट्रीटमेंट एनी कैंसर पेशेंट जो कौन इमरजेन्सी नहीं आसने तो निश्वास नाक असुविधा हो छाती में पा जमीगला कि पेट बांति हो पेट फुले जाइए से कंडीशन में सब इमरजेन्सी डॉक्टर मैंने विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस निजे सेफ रे कि पीपी पिंधिकी कोरोना पेशेंट को ट्रीटमेंट कर अच्छा रंजित सर देखो गोटे रोगी लक्षण प्रकाश पाइला आने आम भावचे यहाँ कर्कट लक्षण तेणु ये कि मानते लास्ट विगत वर्ष है रोगी मैंने बहुत आडभांस स्टेज कहीं करोना भयर तेणु जदि भी कौन सी रोगी ये कर्कट लक्षण सब देखा जाने डायग्नोसीस रोग निरूपण विलंब करने कथ नुहे रोग निरूपण हो सारापर एमती किसी बहुत किसी कर्कट अच्छे आम रोगी डाक्तर पाखक आसवा दरकार ना जदि रोग निरूपण हो गला मुझे कहूँ केतटा रोग अच्छी लो ग्रेड लिम्फोमा फलिकुलर लिम्फोमा है सीएलएल है कि मार्जिनाल जोन लिम्फोमा है से क्षेत्र में किसी एक्टिव ट्रीटमेंट दरकार ना जदि मानते जरूरी ना कि इंडिकेशन ना आम से दुई मस चार छस कौन वर्ष वर्ष धरी अबजरवेशन भी रखू तेणु से क्षेत्र में रोगटा आम तार रोग भयावहता जापर यही रोग में प्रकृत चिकित्सा दरकार कि ना आम मेडिकल अंकोलोजी पॉइंट ऑफ व्यू रु के कर्कट अच्छी जमीक सीएमएल गोटे अच्छी क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया किंबा लंग कैंसर एडेनोकार्सिनोमा ईजेफआर पॉजिटिव आल्क पॉजिटिव से क्षेत्र में गोटे ओराल टैबलेट द्वारा लोक वर्ष वर्ष धरी बचते तेणु से क्षेत्र में आम पाखक आसवा दरकार ना से टेलीफोनिक कनसल्टेसन हौ वीडियो कॉन्फ्रेंस रहौ वीडियो कनसल्टेसन रहौ से पाखरे रक्त परीक्षा करे घर न बाहरी वर्ष वर्ष धरी चिकित्सा हो पारे तेणु चिकित्सा रे तो आमे डिले कर परिया किंतु रोग निरूपण रे विलंब करबा उचित ठीक अछि रंजित सर आपन पाखु जिबी एटुडा कथा अनुभव होउछ काहे कि मते अनुभव होउछ म आपन सेते पचारु जे उटा कैंसर सिस्टम पई एचसीजी पंडा कैंसर हॉस्पिटल हो कि जो माने अछन्ते ए क्षेत्र रे आपन लीडिंग प्लेयर्स अछन जो माने काम कर
ସେମାନେ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମାନେ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୱାଇଡ଼ଲି ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହିରଖେ ଯେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଓପିଡ଼ି ବି ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କନସଲଟେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅନଗୋଇଂ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନେକର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଡରୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଭୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଓପନ୍ଲି ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଭାଇ ଫୋନ୍ କର, କ'ଣ ଅଛି କୁହ, ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ, ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ସର୍ଜରୀ, କେମୋଥେରାପି, ରେଡିଏସନ୍ ଥେରାପି, ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍, ଗାଇଡେଡ୍ ବାୟୋପ୍ସି, ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେବାରେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସବୁ ଆମେ କରୁ, ବା ନୂଆ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସେ, ଏସ୍ସିଜି ପଣ୍ଡା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଆସେ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସରିଯାଇଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ, ପରିଡ଼ା ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ, ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ ଲିମ୍ଫୋମା, ମାର୍ଜିନାଲ ଜୋନ୍ ବି ସେଲ୍ ଲିମ୍ଫୋମା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭେରି ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହିକି ଔଷଧ ଖାଇପାରିବେ, ବା ମୁଁ ରେଡିଏସନ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ପରେ ରେଡିଏସନ୍ ସରିଲା ଏଣ୍ଡ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 3 ମାସ ପରେ ଆମକୁ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆସେ, ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡିଲେଟ୍ କରୁ, ବାଇ ଭିଡ଼ିଓ କନସଲଟେସନ୍, ବାଇ ଟେଲିଫୋନିକାଲ କନସଲଟେସନ୍, ବାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଏଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ କନସଲଟେସନ୍, ସବୁ କନସଲଟାଣ୍ଟଙ୍କ ନମ୍ବର ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି, ସର୍ଜିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ମେଡିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ରେଡିଏସନ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ନିଜ କନସଲଟାଣ୍ଟ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏରେ ବି କଥା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ନମ୍ବରଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ହଉନି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନମ୍ବର ଥାଏ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆମର ଧର କେମୋଥେରାପି ନେଲେ, ରେଡିଓଥେରାପି ନେଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାହେଉଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ କୌଣସି ରୋଗୀର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ବା ଟେଲିଫୋନିକ କନସଲଟେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଟା ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ୱାଇଡ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁଠି ଯେ ଅସୁବିଧାର ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କିଛି କିଛି ଜାଣିକରି, ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍କୁ ଏସ୍ସିଜି ପଣ୍ଡା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉଟ୍ରିଚ୍ ଓପିଡି 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 30 ଜିଲ୍ଲା 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉଟ୍ରିଚ୍ ଓପିଡି ଅଛି, ଆଉଟ୍ରିଚ୍ ଓପିଡି ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବାରିପଦା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରହମପୁର, ଦେନ୍ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେନ୍ କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍, ଆଉଟ୍ରିଚ୍ ଓପିଡି ଅଛି, ଚାହିଁବେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସେଇ ଆଉଟ୍ରିଚ୍ ଓପିଡିରେ ଥାଇକି ସେମାନେ କନସଲଟାଣ୍ଟ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ସୋ ଏସ୍ସିଜି ପଣ୍ଡା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଣ୍ଡର ୱାନ୍ ରୁପ୍ ଦିସ୍ ଯେଉଁ ସର୍ଜରୀ, କେମୋ, ରେଡିଏସନ୍, ହର୍ମୋନାଲ ଥେରାପି, ବାୟୋଥେରାପି, ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି, ପ୍ରପର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଗାଇଡେଡ୍ ବାୟୋପ୍ସି, ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଗଳା କ୍ୟାନ୍ସର, ଆମେ ଆପଣ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆଦର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଗଳା କ୍ୟାନ୍ସର? ମୁଣ୍ଡ ଗଳା କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେଉଁମାନେ ତମ୍ବାକୁ ସେବନ କରନ୍ତି, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି, ବିଡ଼ି ଟାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ କେମିତି, ଯେମିତି ପାଟି କହିଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଅଛି, କି ଓଠ ହେଲା, ମାଡ଼ି ହେଲା, ଗାଲ ଭିତର ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବକାଲ ମିକୋସା କହୁ, ତାଳୁ ହେଲା, ପ୍ୟାଲେଟ୍ କହୁ, କିମ୍ବା ଜିଭ, ଟଙ୍ଗ, ତ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘାଟା ହେଇଛି କିମ୍ବା କିଛି ଉବରା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଲେ ଘାଟା ଶୁକୁନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧଳା ଛଉ ଭଳିଆ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ହେଉନି, ଆଉ ପାଟିଟା ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ସବମିକୋ ସାବ୍ରିସେସ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘାଟା ଭଲ ହେଉନି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ଲାଗିବ, ସେ କଣ୍ଡିସନରେ କ'ଣ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିକି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାୟୋପ୍ସିଟା ନେବେ, ବାୟୋପ୍ସି କିମ୍ବା ଛୁଞ୍ଚି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ପତଳା ଛୁଞ୍ଚି ଟେଷ୍ଟ କରାହୁଏ, ଫାଇନାଲି ଆସ୍ପେଣ୍ଟ ସାଇଟୋଲୋଜି, ସେଥିରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖାଯାଏ, କନଫର୍ମ କରାଯାଏ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି କି ନାହିଁ। ତା ବାଦେ ସେ ଏଇସବୁ କ୍ୟାନ୍ସରର ଗୋଟେ ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ ଗଳାକୁ ଆଗେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ଅଛି ସେଇଟା ଗଳାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅପଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଇଏ ବେଳେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ଟା କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକୁ ନେକ୍ ଡିସେକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ତା ବାଦ ଗଳାରେ ବାକି ଯେଉଁ ଆସିଲା ଆମ ଭଏସ୍ ବକ୍ସ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯେଉଁଟା କହୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କଥା ବାହାରୁଛୁ ଏଠାରେ, ତ ସେଇଥିରେ ହେଲେ ଲାରିଂଜାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ବିଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଟାଣନ୍ତି, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଦେଖାଯିବ। ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ କ'ଣ ରହିବ କି ଆୱାଜ୍ଟା ଖସ୍ଖସ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ନର୍ମାଲ ଆୱାଜ ଏମିତି ହେଇକି ଆୱାଜ୍ଟା ବାହାରିବ, ସେଟା ଅତି ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ସେ କଣ୍ଡିସନରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଇଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କରି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟ୍ରାକୋଷ୍ଟୋମି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା କି କ୍ୟାନ୍ସରର କନଫର୍ମେସନ୍, କନଫର୍ମ କେମିତି କରିବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ବୋଲି, ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ କେମିତି ମିଳିବ ତାକୁ, କି ଗୋଟେ ମାଂସଟା ବଢ଼ୁଛି ତାର ଗୋଟେ ବାୟୋପ୍ସିଟା ନିଆହେଲା, ବାୟୋପ୍ସି ନେଇ ତ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖାହେଲା, କନଫର୍ମ କରାହେଲା, ସେଇଥିରୁ କ୍ୟାନ୍ସରଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଗ୍ରେଡ୍ 1, ଗ୍ରେଡ୍ 2, ଗ୍ରେଡ୍ 3, ଗ୍ରେଡିଂ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ତ ୱାନ୍ସ ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କିଛିଟା ଇମେଜିଂ କରିବୁ, ଇମେଜିଂ ମାନେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ କି ସି
सीटी स्कैन कराला कि जीवर हो एमआरआई कराला कि टोटाल जब आम लगुच कि बेकर बेस जगह स्प्रेड होती आउ बाकी जगह को स्प्रेड हमारे चान्स बेस अच्छी टोटाल बडी स्कानिंग कर देखा पेड सीट कर शेष प्रश्न पचार डॉक्टर प्रशांत कुमार परिडा सर चिकित्सा व्यवस्था कौन अच्छी ओडिशा रे अत्याधुनिक चिकित्सा व्यवस्था आम जो चर्चा कर मुंड गला कैंसर अच्छी कि देखु किसी वर्ष है आम देखा जाए आम ओडिशा रे जो वही चिकित्सा पद्धति हेड एंड नेक मुख गहर कर्कट जहाँ किसी चिकित्सा बड़ बड़ सिटी जमी मुंबई दिल्ली किंबा चेन्नई में मिलूँ आम ओडिशा रे सब किसी संभव हो पारी से आपण केमोथेरापी हो इम्यूनोथेरापी हो टार्गेटेड थेरापी हो जमीक आम हेड एंड नेक रे एबे निभोलुमाब पेमरोलिजमा भाया इम्यूनोथेरापी आम एठी आम ओडिशा रे देई परचु ता व्यतीत टार्गेटेड थेरापी जमीक सिटुक्सिमाब निमोटुजुमाब सेगुडा मध्ये एठी आम देई परचु रेडियोथेरापी रे जो सब प्रकार रेडियोथेरापी एठी अवेलेबल अछि ओडिशा रे एवं सर्जरी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी रे सर्जरी मध्ये फ्री फ्लैप जो मुख गहर कर्कट रे व्यवहार करा जाए सेगुडा सब किछ आम ए ओडिशा रे अवेलेबल अछि तेनु जणे रोगी जदि कर्कट रोगी चिन्हट होछ से माने आगुर जो थिला जे आमे ओडिशा रे ए सब किछ चिकित्सा पद्धति नाही आमे बाहर को पळेबा तेनु मु गोटे जिंस एटी कहि रखिबि दर्शक बंधु मानकु सब किछ चिकित्सा आम कटक भुवनेश्वर किंबा ओडिशा रे सब किछ संभव आपण बाहर को न जाय ए सेही भले चिकित्सा टाटा मेमोरियल भले चिकित्सा मध्ये ओडिशा रे पाई परिबे जहां किछ माने एडवांस टेक्नोलॉजी रो सर्जरी हो रेडियोथेरापी हो किमा केमोथेरापी इम्यूनोथेरापी टार्गेटेड थेरापी हो हार्मोन थेरापी हो सब किछ हमर एठे अवेलेबल अछि रोगी माने पाइ सर सरीवा समय सरीची सबटु बड कथा हला वर्तमान जो कथा हम चर्चा करथले डाक्टर माने मध्ये सेई कथा रे सहमत थेले अर्थात बाटो भी कहिले विकल्प भी कहिले जे कोविड नॉन कोविड दीटा वर्तमान भाग होई जाइछि रोग रे त सेही हिसाब रे उभय को केमती गुरुत्व दिया जइबो सेने के उद्यम चलीछि कारण 2020-21 रे समस्त क्षेत्र रे सिस्टम रो सहित खाप खुआइले और सिस्टम को खाप खुआइ के विकल्प चिंतन करी काम करि हबो से दिगरे काम वर्तमान करुछंती एवं किछि हॉस्पिटल निजर जो मैंने अच्छा रोगी तांको भी गुरुत्व दौंती कोविड रोगी को भी गुरुत्व दौरान से आपने टी फिल करेंगे कैंसर के किसी लक्षण तो निश्चित भाव में जोाजोग करेंगे कनसर्ण आपंकर विभिन्न डॉक्टर को हेल्पलाइन नंबर भी अच्छी जोाजोग करेंगे कोरोना जो डरिकी घर रही ना जदि रही है आप क्षति पहुंचे से रोग बहुत बढ़ी जीव जितने चिकित्सा सेवा जोगे दिजा संभव हो पार ना से आप डरतु ना और जोाजोग करता सहित कोविड भी रहा कोविड में कोरोना आप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप मानतु आगे चलत और आम कोरोना को भी जितना और जो रोग अच्छे आप रोग भी भल हम कार्यक्रम सारे धन्यवाद देवी डॉक्टर रंजित करंकु डॉक्टर प्रशांत चंद्र दास को डॉक्टर पीके परिडांकु डॉक्टर टक्को इथि रखुचु नमस्कार।